श्योपुर में आज सलापुरा नहर पर लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ सलापुरा की लाइट नहीं आने से जाम लगाया। लोगों का कहना है कि कल सुबह 8 बजे से लाइट नहीं आ रही है, इसको लेकर हमने जाम लगाया है। लोगों का ये भी कहना है कि कल से बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में लाइट ना आने से हमें परेशानी हो रही है, ना तो हमारे घरों में पीने का पानी है, ना ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। बारिश के मौसम में लाइट नहीं आने से रात में घर से बाहर निकलने में डर लगता है क्योंकि बारिश की वजह से कई सारे कीड़े रोड पर आ जाते हैं और बच्चों को भी डर लगता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हमने विद्युत विभाग को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए जाम लगाया है। जाम की समस्या को सुलझाने और लोगों की समस्या को सुलझाने भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट जब लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने लोगों से चर्चा की, जनता की बात सुनकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया और बोला कि सलापुरा की जनता का ये कहना है कि कल से लाइट नहीं है तो पहले तो आप लाइट को चालू करें और फिर सलापुरा की लाइट को शहर से जोड़कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, तब जाकर भाजपा जिला अध्यक्ष की बात मानकर सलापुरा के लोगों ने जाम को खोला। जिला अध्यक्ष बोला कि हमारी समस्या जल्द से जल्द हल करा दो। जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की समस्या जल्द से जल्द उसका निराकरण कर दिया जाएगा, इसको लेकर मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से बैठकर चर्चा करता हूं, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। लाइट नहीं आ रही है और अभी तक विद्युत मंडल की कोई सुनवाई नहीं है हमारे पास। हम आज से 6 महीने पहले से परेशान है, सारी बस्ती परेशान है। केबल का बिल आ रहा है, केबल हमारी फॉल्ट होती है बार बार में, तो कोई मिस्त्री आता नहीं है। हम ए और जी के पास भी 3 बार हुआ है, तो कल सुबह 8 बजे से अभी तक कोई लाइट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे बच्चों के पास में ना पानी है ना लाइट की परेशानी है, तो इस कारण से हमने अभी यहाँ जाम लगाया हुआ है। जब तक कोई विद्युत मंडल वाला यहाँ नहीं आएगा और हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम बिल्कुल जाम से बिल्कुल नहीं हटेंगे और हमारी लाइट सिटी से जुड़ना चाहिए। और बिल हमारा सिटी का ही आ रहा है, प्रत्येक घर में 4,000 से 5,000 का बिल आ रहा है। आप उसकी जाँच करिए और कैसे भी परेशानी है इस परेशानी का समाधान होना चाहिए।